Assalamu alaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, you are looking very nice. Okay, children. आज बताइए हमने क्या करना है भाई, नया काम करना है, नई एक्टिविटी करनी है साइंस में, तो हम क्या करें? आज हम करते हैं एक्सप्लोर की एक्टिविटी. जी, अब तक हम पढ़ रहे थे होम अप्लायंसेस के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फोटॉन्स के बारे में, तो आज हम करते हैं इस हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी. हम क्या करेंगे भाई, हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी बुक खोलेंगे ताकि हमें पता चले कि भाई हमारी आज की एक्टिविटी है क्या आखिर में, है ना भाई. चले जी, आप निकालें अपना, ओपन योर पेज नंबर 43 और उसमें देखेंगे हम अपनी एक्सप्लोर की एक्टिविटी. एक्सप्लोर की एक्टिविटी में लिखा हुआ है वॉल सॉकेट. जी, वॉल सॉकेट बना हुआ है यहाँ पे, जो आपके घर में मौजूद होगा, आपके हर रूम में मौजूद होगा, है ना भाई. इसमें क्या करते हैं हम इसमें जो है क्या करते हैं, प्लग करते हैं अपने वायर को और उसके बाद स्विच ऑन करते हैं, तो हमारे होम अप्लायंसेस जो हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं, वो काम करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उसमें करंट पास होना शुरू हो जाता है, और जब करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से गुजरती है, तो क्या होता है, वो चीज़ चलने लगती है, काम करने लगती है. अब आपने क्या करना है भाई, देखते हैं इसमें. एक्सप्लोर ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन योर होम दैट नीड टू बी प्लग्ड इनटू अ वॉल सॉकेट टू वर्क, लिस्ट देम डाउन. जी, अब आपने क्या करना है, अपने घर में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स मौजूद हैं, जितने भी आपके पास होम अप्लायंसेस मौजूद हैं, ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जिसके लिए ये सॉकेट ज़रूरी होता है, हम उसमें तार ज़रूर लगाते हैं, इसमें प्लग करते हैं, उसको ऑन करते हैं, उसके बाद ही वो चीज़ें काम करती हैं, उन चीज़ों को आपने देखना है कि वो आपके घर में कौन कौन सी मौजूद है. ठीक है जी, आपको ये देखना है, और उसको देखने के साथ साथ हम क्या करते हैं, मैं आपकी छोटी सी हेल्प करती हूँ, और क्या करती हूँ, आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ. आप वीडियो में देखिएगा कि इसमें भी आपको जो है वो इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि वीडियो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स के बारे में, होम अप्लायंसेस के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. आप ये वीडियो बार बार देखें, अच्छे से देखें, और जब ये वीडियो देख लेंगे तो मैं आपको फिर बताऊंगी कि इसमें के बाद हमने क्या काम करना है. Hi friends, welcome to my channel English Learning. In this video, we learn names of home appliances in English. Home appliances vocabulary in English. Television, refrigerator, washing machine, air conditioner, speaker, home theater, dishwasher, oven, electric fan, ceiling fan, vacuum cleaner, water purifier, kettle, electric kettle, clothes iron, light bulb, electric drill, lamp, coffee maker, juicer mixer grinder, toaster, microwave, rice cooker, pressure cooker,
stove. Torch. जी बच्चों, आप लोगों ने वीडियो देख ली और आपने इसमें देखा कि हमें डिफरेंट आइटम बताए गए, दिखाए गए कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चलते हैं, जिसके चलने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट की जरूरत होती है। अब आपने क्या करना है, अब हमने एक्सप्लोर की एक्टिविटी करनी है। यानी कि हमारी एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ था कि हमारे पास हमारे घर में जो जो आइटम्स मौजूद हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी होती है, जिसको प्लग इन करना होता है सॉकेट के अंदर, उनके नाम लिखने हैं, है ना भाई। तो आप क्या करेंगे, आप अपने घर में से मौजूद चीज़ों को उनके को ढूंढेंगे, उनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उनके नाम जो है यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे। वरना आपने जो भी वीडियो देखी है उसमें से कोई भी आपने इलेक्ट्रिसिटी आइटम लेके यहाँ पे पांच चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे कि हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, कैसे नाम लिखेंगे, कौन कौन से होते हैं भाई, रेफ्रिजरेटर होता है, टीवी होता है, मोबाइल होता है, और क्या होता है हमारे पास, वॉशिंग मशीन होती है, ब्लेंडर होता है, जूसेस होते हैं, जूसी ब्लेंडर होता है, तो जूसर होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हम इनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है और उन सब चीज़ों के नाम यहाँ पे लिस्ट डाउन करने हैं, और लिस्ट डाउन करने के बाद इसकी पिक्चर अपनी टीचर को भेज दे रही है। अल्लाह हाफिज।